गई थी हमारी, ये तो फटके 50 हो गई थी। तीन लोगों का किचन कैसा होता है? तो भाई ये है कल्पेश भाई ने डॉक्टर का पेन, सोशल नीड्स श्रीलंका, ओ 110। तो ये अभी हम पीने वाले हैं शिप के ऊपर रियल जूस। तो ये है आठ पीस। अभी यहाँ से होता है शिप चलाने का सब कुछ इंतजाम। देखो शिप चल रही है भाई, लोग आगे पीछे ऊपर नीचे। तो भाई ये है कुछ शिप बाहर से व्यू, आप देख लो, क्योंकि अब जाने वाले हैं इस शिप के ऊपर। आप लोगों को तो हम हर मरतबा बताते हैं पैसेंजर शिप, लेकिन इस मरतबा आप ये शिप भी देख लो कि इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं। अब मेरी आवाज़ कैसी आ रही कैसी नहीं वो भी आप लोग मेरे को बताना, क्योंकि इधर विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो सीधा चलते हैं शिप के ऊपर। तो यहाँ से अपने कल्पेश भाई आ गए ऊपर, और बहुत ही टफ था, पैसेंजर शिप की तरह नहीं रहता। देखो ये पहले नीचे सीढ़ी जा रही है, ये इसमें नीचे, फिर ये जो सीढ़ी जॉइंट है वहाँ से ऊपर, और अपने दो तीन भाई देखो नीचे खड़े हैं। मोहम्मद अली हाय कर दे। ये रहा अपना मोहम्मद अली जो भाई अपना मुंबई से आया था वो, ये रहा अपने कल्पेश भाई, और ये रहे हम। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर, और हम टॉर्च लाना भी भूल गए। और ये जो शिप का है इसमें पैसेंजर शिप की तरह नहीं रहता है, तो इसमें ऐसी शिप रहती है, और पैसेंजर शिप में हाथ भी ख़राब नहीं होते, इसमें हाथ भी ख़राब होंगे अपने, तो अभी सांसे भी फूल रही है। तो चलो सीधा चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से है रस्सी, और ये जो सारी रस्सी रहती है ना, ये इसको टर्न करने के लिए इधर इसको बोला जाता है। अभी परफेक्ट मेरे को आइडिया नहीं है कि इस चीज़ को क्या बोला जाता है और क्या नहीं, और पैसेंजर शिप का आपको और व्यू पता था। अब यहाँ से आप इधर देख सकते हो कि व्यू क्या आ रहा है, तो उधर एक मोटर रोटेट करके मैं दिखा दूँ कि जब पैसेंजर शिप नहीं रहती है तब इसका हाल क्या होता है। और हमने अभी पहन लिया है ग्लव्स, क्योंकि पूरे हाथ जो है ब्लैक हो रहे थे, और कैमरा भी बार बार निकाला था। आज हम लेके आ चुके हैं कल्पेश भाई को, तो सामने आपको 120 नंबर वाली भी शिप दिख रही है। तो पहले उसका हाल क्या था, ये वाली तो ये पैसेंजर शिप है, तो उसका भी आप लोगों को दिख रहा है पहले कैसी थी अब कैसी है। आप लोगों ने ये पैसेंजर शिप वाला वीडियो नहीं देखा तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना, इसका भी वीडियो आ जाएगा, या तो आई बटन में मैं ऊपर डाल दूंगा लिंक। तो अभी बस यहाँ पे ऐसा ही व्यू है, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और ये है क्रेन, शिप के ऊपर रहती है, ये जो आप लोगों को दिख रही है ना, इसमें दो क्रेन है, और शायद ये जो शिप है ना कंटेनर वाली शिप होगी, जो कंटेनर ऑल इंडिया मतलब ऑल कंट्री ऑल वर्ल्ड में जहाँ पे ट्रैवल करती है वो वाली शिप है। इसमें कंटेनर लोड होते हैं, और इसका जो काम है वो कंटेनर का है, लोड करके ले जाना उधर इधर उधर। भाई अभी हमने गॉगल्स निकाल दिए क्योंकि एकदम है डार्क ब्लैक, और इधर आप लोगों को मैंने बताया ना ऊपर से कि इधर कंटेनर रखते हैं ऊपर, तो इसके नीचे क्या है, तो इसमें से आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है संभाल के देखा दिखाने का। और अंदर तो ओहो कैमरा में तो मतलब यार सुपर सही दिख रहा है यार, बाहर से पहले एक मतलब दिखाओ कैसा बाहर कैसा, देखो इतना छोटा सा हॉल है, अब अंदर दिखाओ। तो हमारे कल्पेश भाई के हाथ में देखो क्या क्लीन दिख रहा है, यहाँ से एकदम अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरा, कैमरा में एकदम सही दिख रहा है। तो भाई आप लोगों को इधर दिख रही है चैन, और इधर जो है ये पूरा चाली था मतलब लगा हुआ, तो यहाँ से है एक कट, मतलब यहाँ पे है नीचे, आप इधर देख सकते हो
और पायलट सीढ़ी बोलते हैं इसको, रस्से वाली सीढ़ी रहती है शिप में। और ये जो शिप है ना, जब शिप समुद्र में बीच में रहती है तब इस शिप का सीढ़ी का यूज होता है, ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए, या किसी भी क्रू मेंबर को आना जाना है तो इस ही शिप से आना जाना रहता है। शायद मेरे को छोटी क्लिप मिली तो मैं इसमें शायद अटैच कर दूंगा कि उन लोगों को एक शिप ये जाता है और स्मॉल बोट ऐसी आती है और यहाँ से फिर वो ऊपर जाते हैं। ऐसा रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी बहुत तो इधर बहुत तेज चल रहा है, आप लोगों को इधर दिख ही रहा होगा, तो अभी आवाज जैसा भी आ रहा है थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी बहुत ही आवाज आ रहा है तो अभी इसका कोई रास्ता ही नहीं। तो चलो अभी सीधा चलते हैं आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को पसंद नहीं आता, आप देखते नहीं हो। तो ये मेरा आपको वीडियो बनाने का मकसद यही था कि पैसेंजर शिप और ये जो दूसरी कौन सी भी शिप रहती है इसमें डिफरेंट क्या क्या होता है। और इधर आप देख भी सकते हो, ये है पूरी लाइट, मतलब एडजस्टेबल, मतलब ये कहीं पे एडजस्ट हो सकती है उसमें डालने में। तो ये है बहुत अच्छी लाइट सीढ़ी के लिए है। इधर भी आप देख सकते हो, इसका वायर भी इधर है, तो ये भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये इसका प्लग है। तो इधर आप लोगों को ये जो टावर, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है शिप का क्रू मेंबर का रहने का, और सबसे ऊपर है कांच वाला, सबसे ऊपर दिख रहा है वहाँ से शिप चलती है, और उसके नीचे है तो पूरा क्रू मेंबर का रहने का रूम वगैरह है। तो वहाँ पे जो शिप में जितने भी लोग रहते हैं उसका डे और नाइट में रूम रहता है वहाँ पे सोने के लिए, और ऊपर से शिप चलता है। तो आज हम पैसेंजर शिप में आप लोगों को नहीं बता पाए थे कि शिप कहाँ से चलता है, उसका केबिन अंदर का कैसा होता है, जो ड्राइविंग कहाँ से किस तरह होता है, तो इसमें हम आप लोगों को दिखाने वाला है। मे बी अभी हम भी ऊपर नहीं गए, हमको भी आइडिया नहीं है, तो चलो कैसा है वो अभी आप लोगों को आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये जो फॉइल है, इसका जो पैकिंग है, तो उसको देखने में तो ऐसा लगता है कि ये कोल्ड रूम होगा या फ्रीज होगा, क्योंकि इधर भी आप लोगों को दिख रहा है स्पंज, और इधर भी आप लोगों को प्लास्टिक से एकदम सही से पैक दिख रहा है वो, देखो इधर आप देख सकते हो। और ये पूरी है पाइप, तो मेरे को लगता है ये शिप का कोल्ड रूम होगा या ऐसा कोई रूम होगा, हॉट या कोल्ड, दोनों में से एक होगा। अभी पक्का इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता है, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। और इधर कुछ लिखा भी है, CO2 लाइंस ब्लो ट्रक विद एयर ऑन 11 December 2021। अभी इसका आइडिया नहीं है। भाई लोग, आप लोगों को इधर दिख रहा है इन लोगों का किचन कैसा होता है, तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हो, इसमें फ्रिज भी है। तो भाई इन लोगों को अभी इसमें तो ऐसा ही रहेगा, और बेड स्मेल भी आएगी, वो आप लोगों को नहीं आएगी क्योंकि आप हो कैमरे के पीछे कैमरे के अंदर। तो इसमें इन लोगों का ऐसा किचन रहता है, और इधर वॉश भी है, तो आप पूरा किचन इस तरह देख लो। और आज सबसे बड़ी हमारे से गलती हो चुकी है, फास्ट आने के चक्कर में हम हमारे टॉर्च लाना भूल गए। और यहाँ पे है इन लोगों का एयर कंडीशनर, मतलब ये होगा एसी, मतलब इन लोगों के किचन में भी एसी होता है भाई। और इधर आप लोगों को आगे दिखाऊं तो इधर आगे और क्या है, ओके, तो भाई इधर आप आ सकते हो, और इधर लिखा हुआ है मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, ओके। तो ये दोनों चीज आप सबको भी मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस समझ लो या चली गई उसका समझ लो। तो इन लोगों का खाने पीने का ये इधर टेबल, ये समझ लो छोटा सा डाइनिंग एरिया है, और इधर सारे फ्रूट सॉस वगैरह, टेबल चेयर वगैरह सब कुछ है, फैन भी है, और इधर है वॉच। और आगे इस तरह चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा और एक सबसे बड़ा डाइनिंग एरिया, और इधर क्रिसमस मतलब सेलिब्रेट हुआ लगता है मेरे को, क्योंकि ये शिप अभी लेटेस्ट ही नया ही आया हुआ है। तो इधर भी आप लोग चेक कर सकते हो, और इधर फिल्टर भी लगा हुआ है RO प्री फोर, और इधर भी है बैठने के लिए रूम, मतलब डाइनिंग एरिया समझ लो क्योंकि, और इधर है देखो सिगरेट होल्डर, मतलब ये है पूरा सिगरेट के लिए, जो
ट्रस्ट क्या बोलते हैं अभी इसको यार, यार सिगरेट के लिए क्या बोलते हैं वो, यार मैं भूल गया। और ये क्या है? पानी। पानी नहीं है भाई, ये है सलाइन चढ़ाने के लिए, मतलब बोतल चढ़ाने के लिए है, ये है बोतल। तो ये मेडिकल रूम है क्या? अभी इतना आइडिया नहीं है। ओहो, इंडियन मतलब अपने हॉलीवुड मूवी की सीढ़ी है भाई। सही में देख देख, ये है रेड मूवी की सीढ़ी और इसमें है परी। ये भाई आपने आ जा, ये है परी मूवी और इत्तेफाक। इसमें कुछ नहीं, इत्तेफाक में कुछ नहीं। और ये है बहुत सारे मास्क, देखो ये है मास्क और इसमें ग्लव्स थे वो हो चुके हैं ख़त्म। बाकी अपने को चेक नहीं करना है, बस इसी तरह आप लोगों को दिखाने का है। मेरा इतना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं रहता, मेरा जो वीडियो रहता है वो ब्लॉग टाइप ही रहता है। तो मैं मेरे से हो सकता है उतनी मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की। तो ये है कुछ अपना फ्रिज, ये भी आप चेक कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ इतना नहीं रहता है, लेकिन इसमें टू डोर फ्रिज है अच्छा खासा। इसमें और कुछ है लेकिन वो भी छूना नहीं है क्योंकि इसमें से बैड स्मेल भी आ रही है। और इधर आप ब्लू कलर का कुछ देख सकते हो, जो भी होगा वो। तो चलो यहाँ पे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है और इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से है कुछ सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। तो चल तो ओके, तो यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए बस। मालबोरो मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे सब लोग। ओ फास्ट ट्रैक का बॉक्स में समझा कि वाह, मेरे पास भी फास्ट ट्रैक की वॉच है इसलिए। और इधर है सिगरेट नहीं है। तो बस इसी तरह इन लोगों का छोटा सा वो रहता है रहने के लिए। और ये है सेफ्टी, इसमें सिटी भी होगी। ये मुंह पे नहीं लगे। और इस तरह शिप में होता है कबाड़, देख लो भाई लोहे का कबाड़ रहता है। और बस कुछ नहीं इसमें, खाली खाली ये फंस गई उंगली। तो यहाँ से चलते हैं सीधा मंदिर साइड। और ऊपर तो यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हो, ये अपने कैसे फोर व्हील में ऑफ रोडिंग करने जाते हैं विंच टाइप रहता है। तो इन लोगों का जो चेन रहता है ना, या रस्सी रहता है कुछ डालने के लिए। तो ये जो आप लोगों को ये जो गोल गोल दिख रही है दोनों, तो वो उस तरह का काम करता है। ये उसमें रस्सी पूरा बांधा हुआ रहता है तो वो नीचे डालते हैं। और ये जो येलो और ब्लैक दिख रहे हैं ना सामने आप लोगों को, तो उसमें से टर्न मोड़ने के लिए, मतलब रस्सी इधर जाएगी कट ना जाए इसलिए वो रहता है। जहाँ तक मेरे को जितना याद है, जो मेरे को पता है वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो इसमें थोड़ा रोंग भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा तो रोंग नहीं हो सकता है।